जोमैटो से खाना ऑर्डर करने वाले शख्स ने डिलीवरी बॉय से पूछी जाती। डिलीवरी बॉय दलित निकला तो मुंह पर थूका और कर दी पिटाई। वीडियो में दिख रहा ये लड़का जोमैटो का डिलीवरी बॉय है, लेकिन इसे दलित होने की ऐसी सजा दी गई कि 12 लोगों ने घेर कर मारा। इतना ही नहीं, इसके मुंह पर तंबाकू भी थूका गया। इनके घर पे आ रहा हूँ, इनके ऊपर गुंडाई करूंगा। मैं अजय सिंह के घर पे आ रहा हूँ, इनके घर में गुंडाई है। इनके एक लड़का आया था, वो ले गया, अंतर होगा, ले गया चाबी निकाल के अंदर। अभी रुको, आ रहा हूँ, दो मिनट रुको। सब लोग चाबी तो नहीं लगी है तुम्हारी गाड़ी? लगा दिया इन्होंने, मैं भाग के गया, इतनी देर में चाबी इन्हीं के पास, क्या हो गया? कुछ तुम्हारी गाड़ी में लगी, लगा दिया होगा। डिलीवरी बॉय वहां से किसी तरह जान बचाकर भाग निकला, लेकिन उसकी बाइक आरोपियों के कब्जे में रह गई। इसके बाद उसने पुलिस कंट्रोल रूम को अपने साथ हुई ज्यादती की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों से उनकी बाइक वापस दिलवाई। बाद में पीड़ित की शिकायत पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 18 तारीख को देर रात को थाना क्षेत्र आशियाना में विनीत कुमार रावत द्वारा एक लिखित तहरीर प्राप्त होती है, जिसमें बताया जाता है कि वो जोमैटो में काम करते हैं, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, और वो आज 18 तारीख को एक ऑर्डर लेकर के अजय सिंह, जो कि सेक्टर 1 थाना क्षेत्र आशियाना में रहते हैं, उनके यहाँ गए, और वहाँ पर अजय सिंह के द्वारा उनका नाम पूछा गया। जब उन्होंने अपना नाम बताया तो उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, गाली गलौज किया, उनके मुँह पर थूका और उसके बाद उनके साथ मारपीट किया। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और उसके आधार पर जो भी आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। लखनऊ के आशियाना क्षेत्र के किला मोहम्मदी निवासी विनीत कुमार रावत ने बताया कि वह फूड डिलीवरी करता है। शनिवार देर रात सेक्टर 1 से उनके पास फूड डिलीवरी का ऑर्डर आया। ये ऑर्डर अजय सिंह के नाम से था। इसके बाद दिए गए पते पर पहुंचा तो घर से एक शख्स बाहर आया और उसका नाम पूछा। विनीत का आरोप है कि नाम बताने के साथ ही उस शख्स ने ये कहते हुए ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया कि दलितों के हाथ का छुआ सामान मैं नहीं लूंगा। जब विनीत ने ऑर्डर कैंसिल करने का अनुरोध किया तो आरोपी ने उनके मुंह पर तंबाकू थूक दिया। इसका विरोध करने पर घर से 12 से ज्यादा लोग डंडे लेकर आए और विनीत को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। आपको बता दें कि मारपीट में विनीत के हाथ, पैर और सिर में अंदरूनी चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।